चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा जिले के दो गांव बुढ़ाकोट बालसमंद में तनाव। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिसार के गांव बुढ़ाक के ग्रामीणों ने रात भर से तीन गांव की बिजली सप्लाई रोकी हुई है। बुढ़ाक के ग्रामीणों की मांग है कि रात के समय उन्हें पूरी बिजली नहीं मिली। बुढ़ाक के ग्रामीणों की खुद की बिजली सप्लाई लेने के लिए दो अन्य गांव की बिजली रात भर से रोक रखी है। इस पर बालसमंद के ग्रामीणों ने बुढ़ाक से हिसार जाने वाली बस को रोक लिया है। दोनों गांव में आपसी तनाव की स्थिति बन गई है। बुढ़ाक के ग्रामीणों ने बुढ़ाक बांडाएडी और बालसमंद की बिजली सप्लाई रोक दी। रात भर बिजली कर्मियों और ग्रामीणों के बीच आपसी बातचीत चलती रही। निगम कर्मियों और पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। सुबह तक बिजली सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई तो बालसमंद के ग्रामीण गुस्सा हुए और बुढ़ाक से हिसार जाने वाली बस को रोक लिया। किसी भी प्राइवेट व्हीकल को बालसमंद से आगे नहीं जाने दिया। बुढ़ाक से जो लोग बालसमंद में अपना रोजगार चला रहे हैं उनकी दुकानें बंद करा दी गई। बालसमंद के ग्रामीणों की मांग है कि बुढ़ाक के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करें, उन्हें कोई एतराज नहीं, लेकिन वे अपनी मांगों के लिए अन्य दो गांव बालसमंद और बांडेड़ी को क्यों परेशान कर रहे हैं। बालसमंद के ग्रामीणों की मांग है उनकी बिजली सप्लाई सुचारू की जाए। दोनों गाँव में बिजली तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। क्षेत्र का बुढ़ाक गांव सरकार की जगमग योजना में शामिल नहीं है, जबकि बालसमंद और बुढ़ाक दोनों गांव जगमग योजना में शामिल है। बुढ़ाक गांव को 16 घंटे बिजली सप्लाई का शेड्यूल है और दोनों अन्य गांव में 24 घंटे। इन दिनों बिजली की कमी में 24 घंटे बिजली तो नहीं मिल रही, लेकिन अब आंग के लिए अन्य दो गांव की बिजली रोक रखी है। मिलते रहे अगली वीडियो में। धन्यवाद।